शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजू शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये विशेष का एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका एक विषय मैथमेटिक्स है। तो दोस्तों, वीडियो विशेष का मैंने उन विद्यार्थियों को सोच के बनाया है यहाँ पे जो महंगे कोचिंग सेंटर पर जाके नहीं पढ़ सकते, इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ में आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और जो है उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि वो कहीं पढ़ाई कर सके ऐसे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। साथ में आपके लिए मैं कहते हैं कि समय समय पे कई जरूरी वीडियो है यहाँ पे, जैसे आपका एग्ज़ाम रिजल्ट, आपकी एग्ज़ाम फीस, आपका प्रैक्टिकल, आपका असाइनमेंट, ऐसे कई जरूरी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ यहाँ पे। तो जरूरी यहाँ पे कहते हैं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए यहाँ पे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें यहाँ पे, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो एक बार करने से नहीं होता है यहाँ पे। तो ज़रूरी आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और फेसबुक पे एक ग्रुप है यहाँ पे STLC, तो आप उसके साथ जुड़ के यहाँ पे अपने कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे, जहाँ आपके साथ और भी स्टूडेंट है और मैं तो हूँ आपके साथ बताने के लिए यहाँ पे। तो जैसा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको मैं चैप्टर यहाँ पे 10 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, तो मैं आपको थोड़ी इसकी पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरे जो कराने का तरीका है यहाँ पे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको मैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही गलती ये बातें बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे रेखा, जिसे बोलते हैं यहाँ पे लाइन। तो जैसे देखा जाए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी, ये हमारा होता है लाइन, यानी कि यह फिक्स होती है कि कहाँ से कहाँ तक। एक ऐसे यहाँ पे देखा जहाँ पे हमारी एक और चीज़ होती है, वो होती है यहाँ पे हमारे यहाँ पे किरण, तो जिसे बोलते हैं यहाँ पे रे। तो किरण में होता है क्या यहाँ पे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे देखा जाए यहाँ पे, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जैसे ये भी हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक चलता जा रहा है, यहाँ पे चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसे ही जो है यहाँ पे कि इस तरह भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे गलत है कि हमारे के रे होती है यहाँ पे, किरण होती है यहाँ पे, जिनका कोई स्टार्टिंग तो पॉइंट हो सकता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो ऐसे यहाँ पे गलत है कि एक और चीज़ होती है यहाँ पे हमारी, उसका नाम यहाँ पे हमारे यहाँ पे समांतर, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा है जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है, जैसे गलती है कि यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जा रही है, एक लाइन इसे को काट देती है, तो ये आपस में एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है यहाँ पे। तो ये होती है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक लाइन दूसरी लाइन को काटे वो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है। जैसे यहाँ पे ए बी को यहाँ पे जो यहाँ पे सीडी है काट रहा है, या कह सकते हैं यहाँ पे सीडी कोई भी कैंसिल कर रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पे हमारे प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ऐसे एक और यहाँ पे हमारी लाइन होती है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हम समांतर रेखा। समांतर रेखा जिसे हम बोलते हैं कि बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन। पैरेलल में अगर होता है क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में जाती है, समांतर में जाती है, देन दोनों की जो बीच की जो गैपिंग होगी वो एक बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे होता है यहाँ पे जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम एंगल कोण। तो कोण यहाँ पे डिग्री में होते हैं यहाँ पे, और ये एंगल यानी डिग्री में कोण कितनी भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये जैसे कहते हैं कि आपका फिगर में दिख रहा है कि ए ओ बी ये एंगल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे होता है यहाँ पे हमारा सरल कोण जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता क्या है, जैसे एक लाइन है ए सेंटर ओ बी,
ये पूरी की जो लाइन होती है यहाँ पे हमारी होती है यहाँ पे 180 की स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक और यहाँ पे चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नंबर 7 हमारा यहाँ पे होता है एक समकोण। तो उसके बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे शायद आप में से बहुतों को पता होगा समकोण क्या होता है, जिसे यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल। राइट एंगल तो जो राइट एंगल होता है वो होता है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का होने का मतलब यहाँ पे है, जैसे कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, जैसे यहाँ पे ये ए ओ बी, तो ए ओ बी हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमारा इस तरफ से भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे ए ओ बी ये भी हमारा यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री हो सकता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री यहाँ पे हमारा दोनों तरफ से भी हो सकता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर में होता है यहाँ पे हमारा दोनों तरफ से, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी कि यहाँ से जो देखा जाए पे ए ओ बी सी, तो ए ओ सी ये 90 डिग्री है, बी ओ सी ये भी 90 डिग्री है, समकोण है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है वहाँ पे हमारा वो एंगल जो होता है यहाँ पे समकोण होता है, राइट एंगल होता है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें यहाँ पे हमारा होता है यहाँ पे 8वें नंबर पर बताना चाहता हूँ यहाँ पे न्यूनकोण। तो न्यूनकोण यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे एक्यूट एंगल। ठीक, और जो इसमें एंगल होता है यहाँ पे एक्यूट एंगल में वो हमेशा जो है 90 डिग्री से कम होता है, यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री से हमेशा कम होगा, इधर से भी हो सकता है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री से कम, इधर से भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो सकता है, जैसे यहाँ पे ए ओ बी, तो ए बी जो बन रहा है पे हमारा 90 से कम बन रहा है, यहाँ से भी देखा जाए यहाँ पे ए ओ बी ये भी हमारा यहाँ पे 90 से हमारा यहाँ पे कम बन रहा है। तो ये जो एंगल हुआ हमारे पे हमारा वो वहाँ पे हमारा न्यूनकोण एक्यूट एंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर न्यूनकोण है तो एक होता है इसमें आपका अधिकोण। अधिकोण जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम ऑप्टिक्स एंगल। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए ओ बी ये जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये ए ओ बी, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो एंगल हमारे 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो वह ऑप्टिक्स एंगल होते हैं, अधिकोण होते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो यहाँ पे नंबर आता है यहाँ पे हमारा वो आता है यहाँ पे एक रेखीय द्विगुण लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर होता है क्या, देखिए यहाँ पे नंबर 10 रेखीय द्विगुण। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप इनको समझिएगा। यहाँ पे रेखीय द्विगुण जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे हम लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर यहाँ पे एक लाइन होती है जिसमें से कहीं से भी गलते हैं कि एक एंगल या एक से ज़्यादा एंगल बन सकते हैं, यानी इस लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का जो सम होगा वो होगा यहाँ पे 180, यानी इस एंगल पे चाहे कितने भी एंगल बने यहाँ पे लेकिन उन सबको जुड़ने पर यहाँ पे 180 बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ए बी ओ सी, तो ए ओ सी बी ओ सी, तो सबको यहाँ पे जुड़ने पर यहाँ पे जो है हमारा 180 बनेगा, जिससे बोलते हैं यहाँ पे रेखीय लीनियर पेयर। ऐसे यहाँ पे हमारा गलती है कि एक नंबर 11 होता है यहाँ पे, बताता हूँ यहाँ पे शीर्षाभिमुखोण। शीर्षाभिमुख कोण जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल होते हैं यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे अपोजिट एंगल होते हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे देखिए, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे ए ओ बी सी डी, तो इसमें देखा जाए यहाँ पे जैसे कहते हैं ए ओ सी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये से कहते हैं हमें शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल एंगल, जो कि हमें इक्वल होगा। अगर यहाँ पे अगर ये अगर 130 है तो ये भी 130 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल एंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि एक और एंगल होता है यहाँ पे जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम संगत कोण।
जिसे यहाँ पे देखो कह सकते हैं यहाँ पे हम कोरेस पॉन्डिंग एंगल। इस एंगल में होता क्या है यहाँ पे, जैसे दो पैरेलल लाइन है और उन्हें एक तीसरी लाइन काटती है, कैंसिल करती है यहाँ पे, इंटरसेक्ट करती है। इस लाइन का नाम है एम, इस लाइन का नाम है एन, और ये एक लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करती है, दोनों को प्रतिच्छेद करती है यहाँ पे। इसमें कुछ एंगल बन जाते हैं, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे ये एंगल वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन, ये एट, ये एंगल बन जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ डिग्री बनेंगे। तो अब इसमें देखा जाए यहाँ पे संगत कोण, इसमें कौन कौन से संगत कोण बनते हैं। इसमें संगत कोण जैसे बनता है यहाँ पे एंगल वन, यानी एंगल जो कोण एक बराबर होगा कोण पाँच के, यानी कि एक और पाँच, ये एंगल और ये एंगल दोनों कोण बराबर होगे, और इसका कारण क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। ऐसे यहाँ पे एंगल दो इक्वल होगा एंगल छः के, एंगल यहाँ पे तीन इक्वल होगा एंगल सात के, और एंगल यहाँ पे चार इक्वल होगा यहाँ पे एंगल आठ के, कारण क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह के एंगल को यहाँ पे संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इसमें आता है यहाँ पे हमारा, जिसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण, जैसे बोलते हैं यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो इसमें होता है क्या, यहाँ पे जहाँ भी आपको जेड फिगर नज़र आए, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, तो जहाँ भी आपको जेड फिगर नज़र आए तो उसमें ये एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कहते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से हमें यहाँ पे जेड फिगर नज़र आती है, इस तरह से हमें यहाँ पे जेड फिगर नज़र आती है, यानी कि इसमें एंगल तीन और एंगल छः इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे एंगल तीन इक्वल होगा यहाँ पे एंगल छः के। ऐसे जेड फिगर हमारे यहाँ से ही बनती है, जेड फिगर यहाँ से देखा जाए ऐसे बनती है यहाँ पे, यानी एंगल चार इक्वल होगा एंगल पाँच के, एंगल चार इक्वल होगा यहाँ पे हमारा एंगल पाँच के, कारण क्या आएगा, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। तो जहाँ भी आपको जेड फिगर नजर आए तो समझ लीजिए कहते हैं कि वो यहाँ पे हमारे कहते हैं कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, और अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण जो होते हैं यहाँ पे बराबर होते हैं। तो थोड़ा सा बचा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसके बाद यहाँ पे सीधा हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक नंबर 14 में 14 में यहाँ तो हम निकलते हैं कि आपने एंगल बारे में बता लिया, बात कर ली यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे ट्रायंगल भी होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी तीन साइड होती है। तो एक यहाँ पे ट्रायंगल होता है जिसे बोलते हैं यहाँ पे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल ट्रायंगल यानी कि समबाहु, जैसे नाम से पता चल जाएगा, सम यानी कि समान, बाहु यानी कि भुजाए, त्रिभुज पता है यहाँ पे, इक्वल लेटर इक्वल यानी इक्वल है, क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में तीन साइड होती है, यानी कि ये ट्रायंगल है यहाँ पे जिसमें तीनों साइड क्या होगी, बराबर होगी, जिसमें जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है यहाँ पे। जब तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों गलत है कि एंगल भी इक्वल हो गया, अगर 60 का है तो ये भी 60 का होगा और ये भी एंगल 60 का होगा। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल की यहाँ पे कुछ खासियत होती है कि तीनों साइड बराबर होती है और तीनों साइडों के जो बनते हैं एंगल यहाँ पे तीनों साइडों से बनते हैं वो एंगल भी यहाँ पे इक्वल होती है। तो ये इसकी तो कुछ खास बातें थे। इसके बाद यहाँ पे नंबर 15 में बात करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि सम दुई बाहु त्रिभुज, सम दुई बाहु त्रिभुज। जिसे हम कहते कह सकते हैं यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से बोला कि सम, सम यानी के समान, दो यानी के दो, बाहु यानी के भुजाए। तो जैसे आपसे नाम को आपसे आपको नाम से पता चल गया यहाँ पे सम यानी के समान, दो यानी के दो, बाहु यानी के भुजाए, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें गलती क्या है, यहाँ पे दो साइड इक्वल है,
जब दो साइडें कुल होती है तो उसमें दो एंगल भी कुल होते हैं, यानी जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने डिग्री का ये एंगल भी होगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कि ये साइड, जैसे मान चलिए यहाँ पे ये साइड है 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये हो सकती है 3 सेंटीमीटर की हो। तो ये आपको बनता है इस तरह से यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे दो साइडें बराबर होती है और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसे यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रायंगल बनता है यहाँ पे नंबर 16 में कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हम विषमबाहु। जिसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसका लेंथ ट्रायंगल। तो जो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है इसका लेंथ ट्रायंगल है, तो इसमें तीनों साइडें अलग अलग होती है। जैसे गलते कि तीनों साइडें अलग अलग होगी, तीनों साइडें अलग होगी तो इसमें एंगल भी गलते कि जो होगे वो अलग अलग होगे। तो ये इसके गलते कुछ प्रॉपर्टी है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे गलते कि आपके चैप्टर के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर रखिए, जो हमने इसका इंट्रोडक्शन जान लिया कि अब जो है हम सीधा हम गलते क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो आपके लिए मैं कहते हैं कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर है मैं वो आपके लिए लेकर आया यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी आते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार आए भी है और आने के चांसेस भी है। तो जैसे गलते कि यहाँ पे मैं आपके लिए कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है, पहला आपके लिए मैं कराता हूँ यहाँ पे। सवाल यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आकृति में ए बी एक सरल रेखा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इन फिगर अबव ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है और इसकी क्या वैल्यू हमें बतानी है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं दे रखा है यहाँ पे फिगर में एक लाइन है यहाँ पे हमारी ए बी, और बीच में से यहाँ पे हमारा गलत है कि एंगल बनता है, और इधर का जो हमें एंगल दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 5x+10 डिग्री। इधर का जो एंगल हमें दे रखा है हमें कितना दे रखा है 5x डिग्री। अब इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे सिंपल सा है, मैं को शॉर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं ले जाऊँगा, छोटे में करूँगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट एंगल होता है जो लीनियर पर होता है यहाँ पे इस तरह से, वो कितने डिग्री का होता है यहाँ पे आपका 180, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ 5x+10+5x = कितना आ जाता है यहाँ पे 180, जिसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पे क्या लीनियर पेयर। इसका कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा लीनियर पेयर, जैसे मैं हिंदी में लिखूँगा यहाँ पे रैखिक युग्म। तो 5x 5x दोनों 5x जुड़ जाएंगे क्योंकि x जुड़ जाएंगे नंबर अलग जाएगा, तो x वाले अलग नंबर वाले अलग। तो 5x 5x कितने हो जाते हैं 10x, और 10 को चले जाते हैं तो 180-10 ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 10x = कितना आ जाता है माइनस करने पर 170, 10 जो है मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा, x = 170/10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है यहाँ पे हमारी 17। तो आसान है। तो ऐसे ही गलते आपके लिए गलते एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे ऊपर आकृति में ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं करती है, एंगल सी ओ बी बराबर है। तो यहाँ पे आपको कहते हैं कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कि ए 36, बी 72, सी 108 और डी 144। तो इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कि बी ओ सी वो कितने डिग्री होगा, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पे फिगर में आपको दे रखा है यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे ए बी, और एक दूसरी लाइन है जो उसको कैंसिल करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे, उसका नाम है यहाँ पे सी और डी, और यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है 72। और क्या आ जाता है यहाँ पे कि इसमें बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर यहाँ पे मैं इस लाइन को दोनों जोड़ दूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक पूरी लाइन बन जाती है, यानी कि क्या बन जाता है यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर बन जाता है, रेखीय युग्म बन जाता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमें गिवन है बी ओ डी, हमें गिवन है कि बी ओ डी यहाँ पे कितना है पे हमारा 72 गिवन है, और हमें यहाँ पे करना है क्या है हमें निकालना है बी ओ सी कि बी ओ सी कितने डिग्री का होगा। तो करते हैं यहाँ पे, तो दोनों एंगल का को जोड़ दूँ कैसे, बी ओ सी प्लस एंगल यहाँ पे बी ओ डी इक्वल कितना आ जाता है 180। अब बी ओ सी
तो मुझे निकालना है कि BOC है कितना। लेकिन मुझे BOD गिवन है, BOD मुझे जो गिवन है यहाँ पे, BOD मुझे दिया हुआ है यहाँ पे कितना है यहाँ पे 72 इक्वल 180। तो डिग्री डिग्री के साथ जाएगा, तो एंगल यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे BOC जो हो जाता है यहाँ पे हमारा 180 माइनस 72 माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे देखा जाए यहाँ पे कितना आ जाता है 8 और यहाँ पे 0 1 108। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन आपका जो सी है, ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे गलत है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको सवाल में दे रखा है यहाँ पे कि एक फिगर है यहाँ पे आकृति में ए का मान ज्ञात करें, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की जो क्या वैल्यू है आपको ये बतानी है यहाँ पे कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिगर आपको दे रखी है यहाँ पे, फिगर जो आपके यहाँ पर है कुछ इस तरह से यहाँ पे। (185, A, B, C, D, 150) तो इस सवाल में आपको गलती है कि दे रखा है कि एंगल जो है यहाँ पे ए बी सी जो कि यहाँ पे 105 है और ए सी डी जो कि यहाँ पे हमारा 150 है और यहाँ पे हमें एंगल जो है यहाँ पे ए हमें निकालना है कि एंगल है कितना। तो अगर इसमें देखा जाए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं इस एंगल के साथ में इस एंगल को जोड़ दूँ तो क्या बन जाता है यहाँ पे हमारा लीनियर बन जाता है, रेखीय बन जाता है यहाँ पे हमारा। तो दोनों जोड़ के हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पे एंगल यहाँ पे हमारे यहाँ पे बी सी ए प्लस ए सी डी इक्वल 180। इसका कारण यहाँ पे क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा रेखिक युग्म, जिसे हम क्या कहेंगे हम लीनियर पेयर। तो अब इसमें देखा जाए यहाँ पे बी सी ए, तो बी सी ए हमें निकालना है पहले तो कि बी सी ए है कितना। बी सी ए प्लस ए सी डी हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए सी डी जो कितना था यहाँ पे हमारा 150 था, तो 150 इज इक्वल 180। तो अब यहाँ पे करने के डिग्री डिग्री से आ जाएगा, यानी कि उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा। बी सी ए इज इक्वल 180 माइनस का 150, और अगर 180 में से 150 माइनस करते हैं तो बी सी ए कितना आ जाता है 30, यानी कि जो एंगल है यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 30 आ जाता है। लेकिन अब हमें गलती है कि निकालना के यहाँ पे हमें कि इसमें एंगल ए कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल हमारे यहाँ पे कितने डिग्री का है ये हमें बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें होता है क्या यहाँ पे, जैसे गलते आप गलते जानते हैं ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल प्लस कर दिया जाए, अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल प्लस करा जाए तो आता है 180। तो मुझे अब यहाँ पे यही करना है कि मुझे इस एंगल को और इस एंगल को तीनों एंगल को प्लस करना है। प्लस करूँगा तो गलते है कि 180 आ जाएगा, जिसमें से अगर ये दो है तो मैं तीसरा निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे बी सी ए प्लस ए बी सी प्लस बी ए सी इज इक्वल 180। कारण यहाँ पे कितना लिखूँगा, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इंग्लिश में यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका यहाँ पे सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो देखा जाए यहाँ पे बी सी है जो कि यहाँ पे कहते हैं मैं निकाल चुका हूँ कितना है 30 है, और ए बी सी जो यहाँ पे कहते हैं कि कितना है यहाँ पे 105 है, प्लस बी ए सी मुझे निकालना है, बी ए सी जो कहते क्या होगा एंगल ए होगा इक्वल 180। तो 30 और 105 दोनों मिला जाए तो बनता है यहाँ पे कितना 135। बी ए सी इज इक्वल 180।
डिग्री डिग्री को है तो इसको मैं बदल जाता हूँ, साइन किसको हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एंगल यहाँ पे बी ए सी इज इक्वल 180 माइनस 135। अगर माइनस किया जाए 180 में से 135 को तो हमारा माइनस करने पे आ जाता है कितना 45, यानी कि जो यहाँ पे एंगल ए है वो यहाँ पे हमारा कितने डिग्री का आ जाता है यहाँ पे 45। तो इस तरह से आपको एक सवाल भी होता है यहाँ पे। चलिए आपके लिए कहते हैं कि थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5, फाइंड द थ्री एंगल्स। तो यहाँ पे गलत है, आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के कुछ एंगल है जो कि रेशियो में है, रेशियो में दे रखे, आपको उसको गलत है फाइंड करना है कि वो डिग्री में है कितने, तीनों एंगल है कितने। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। जैसे कहते हैं कि मान ही चल रहे तो यहाँ पे कि फिगर है ट्राइंगल की कुछ इस तरह से, और इसमें गलत है कि नाम देता हूँ यहाँ पे जैसे कि ए बी सी, और रेशियो दे रखा है तो रेशियो यहाँ पे दे रखा है मुझे यहाँ पे 2:3:5, तो मैं इसको ले लेता हूँ 2x, इसको ले लेता हूँ 3x, और इसको ले लेता हूँ यहाँ पे 5x। मुझे अभी यही निकालना है कि ए कितने डिग्री का होगा, बी कितने डिग्री का होगा, सी डिग्री कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे माना लेट जो एंगल ए है वो मैंने ले लिया है यहाँ पे कितना 2x, जो बी है वो मैंने लिया यहाँ पे मैंने 3x, जो एंगल सी है वो मैंने ले लिया यहाँ पे 5x। तो होता है क्या, जैसे मैंने आपको भी बताया यहाँ पे कि ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल को प्लस किया जाए, तीनों एंगल को अगर जोड़ा जाए यहाँ पे तो आता है 180 डिग्री। तो 180 आता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ जाता है यहाँ पे 180। कारण क्या है, वही पहले वाला कारण है यहाँ पे। तो पहले वाला कारण आप यहाँ पे लिख लीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा टाइम बचे यहाँ पे वीडियो का। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए का जो मैंने यहाँ पे लिखा है कारण, वो यहाँ पे हमारे क्या है 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल 180। तो 2x 3x और 5x सबको जोड़ा जाए तो कितना बनता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 3 5 5 5, 10x इज इक्वल 180। 10 जो मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल 180 अपॉन में 10। तो 180 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि सिंपल सा 0 0 काट दीजिए, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, अपॉन में एक की वैल्यू नहीं होती। तो अब यहाँ पे मुझे जो बताना था कि एंगल ए कितने का है, एंगल ए जो लिया था मैंने 2x लिया था, एंगल जो बी लिया था मैंने वो जो लिया था 3x लिया था, और एंगल जो यहाँ पे मैंने सी था वो सी लिया था यहाँ पे कितना 5x। अब मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ कि x की क्या वैल्यू है, तो 2x का मतलब क्या है 2:18, और 2:18 करता हूँ तो कितना आता है 36 डिग्री। ऐसे बी जो मैंने लिया था यहाँ पे 3x था, तो मैं निकाल चुका हूँ 3x, x की वैल्यू कितनी 18, तो 3:18 जो कि आ जाता है यहाँ पे कितना 54 डिग्री। ऐसे यहाँ पे एंगल सी है 5x था, तो 5:18, तो 5:18 करता हूँ तो ये जो कि यहाँ पे एंगल आ जाता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का आ जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने रेशियो वाला क्वेश्चन किया यहाँ पे, और ट्राइंगल के मैंने तीनों यहाँ पे एंगल आपको बताया कि एंगल ए कितने का है, एंगल बी कितने का, और एंगल सी यहाँ पे कितने डिग्री का है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो है नंबर पूरे पूरे मिलेगा यहाँ पे। तो प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जैसे कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको गलत है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे का थ्योरम, यानी कि आपकी एग्ज़ाम में थ्योरम पक्का आती है, और ये आती है तो आपके 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकती है। तो अब इस थ्योरम को आपको करना क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको थ्योरम समझाने वाला हूँ। तो आप इसकी थ्योरम को आप प्रैक्टिस करिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो जैसे कहते हैं आप थ्योरम को पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे कि परमेय त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कहते हैं कि सवाल में कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये यहाँ पे हमारी थ्योरम में परमेय है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों एंगल को जोड़कर जो आता है 180 डिग्री आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लेते हैं, हमने ये ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम भी कर देते हैं हम यहाँ पे। तो सवाल आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, बाकी अगर फिगर आपको खुद बनानी है, ए बी सी डी नंबर जो भी कुछ है सारा कुछ आपको खुद करना है। सवाल सिर्फ इतना ही आएगा कि यहाँ पे सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल से 180 डिग्री, आपको सिर्फ इतना ही सवाल आएगा, बाकी आपको खुद करना है, फिगर आपको खुद बनानी है यहाँ पे, बाकी गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ सब आपको गलत है कि खुद करना है। तो ए
बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे सवाल में गिवन क्या है, तो मैं हिंदी में लिखूँगा दिया है, और इंग्लिश में मैं लिखूँगा इसे गिवन। तो मुझे क्या दिया है, क्या गिवन है, तो मुझे गिवन है ट्रायंगल एबीसी, कि मुझे गिवन है यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी। वो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे आगे यहाँ पे गलत है कि सिद्ध करना है, सिद्ध यहाँ पे करना है, यानी कि इस हिस्से में कहते लिखूंगा यहाँ पे मैं टू प्रूफ। तो सिद्ध हमें यहाँ पे करना है क्या है, जैसे मान के चले थे यहाँ पे जैसे एंगल वन टू थ्री, यानी कि अगर मैं तीनों एंगल को प्लस करूँ, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री करूँ, तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसके बाद यहाँ पे रचना, रचना में यहाँ पे गलती करेंगे यहाँ पे हम कि बी सी समांतर डी ई खींचा। यहाँ पे गलती है कि हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे जो कि बी सी के समांतर होगी, और क्या नाम रख देते हैं हम इसका, इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे हम डी और ई, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम कहते हैं एंगल बना देते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल फोर, और ये वाला एंगल हम बना देते हैं यहाँ पे हम एंगल फाइव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कि इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ड्रॉ बी सी पैलर डी ई, सिर्फ इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात आती है यहाँ पे उत्पत्ति, जिसे हम कहते कहेंगे प्रूफ। तो इसमें यहाँ पे देखा जाए कि ये फिगर में देखा जाए यहाँ पे, तो एंगल चार इक्वल है एंगल एक के, एंगल पाँच इक्वल है एंगल एंगल तीन के, क्यों है बताता हूँ मैं आपको। एंगल फोर इज इक्वल है यहाँ पे एंगल वन के, एंगल यहाँ पे फाइव इज इक्वल है यहाँ पे एंगल थ्री के। तो दोनों का यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कारण है, और वो कारण यहाँ पे क्या है, एकांतर कोण। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ आपको जेड फिगर नज़र आ जाए वो एंगल क्या होते, बराबर होते एंगल। देखिए कहीं आपको जेड फिगर नज़र आती है, देखिए जेड फिगर आती है, जेड फिगर यहाँ से भी इस तरह से बनती है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जेड फिगर बनती है। तो जहाँ जहाँ आपको जेड फिगर नज़र आ जाए वो आपके यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। तो इसमें एंगल फोर इक्वल होगा एंगल वन के, और एंगल फाइव इक्वल होगा यहाँ पे एंगल थ्री के, अल्टरनेट एंगल। तो अब यहाँ पे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे पहले तथा दूसरे से, तो इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी में लिखे यहाँ पे पहले तथा दूसरे से लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो जोड़ देता हूँ, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इक्वल होगा यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल थ्री के, थोड़ा सा अधूरा है। तो आगे इसमें करना क्या है, करना यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ कोण दो जोड़ने पर यहाँ पे ऐड एंगल टू बोथ साइड, दोनों तरफ यहाँ पे मैं एंगल दो जोड़ता हूँ। तो कैसे जोड़ूंगा, एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव, ऐसे यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर एंगल फोर को और एंगल टू को और एंगल फाइव को अगर जोड़ा जाए तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक रेखीय घूम बन जाता है, और एक रेखीय घूम जो होता है यहाँ पे कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो मैं यहाँ ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ कि एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव इक्वल कितना, 180, क्यों, रेखीय घूम। इसको इंग्लिश लिखेगा यहाँ पे लीनियर पेयर। तो देखा जाए यहाँ पे, अगर एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव इक्वल है एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री के, और अगर ये गलते एंगल 180 का है तो ये भी एंगल 180 का इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे सीधा आपको लिखना है यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल 180, ख़त्म। तो इतना ही गलती आपको इस थ्योरम में यहाँ पे करना है। चलिए आपके लिए गलती है आज का सवाल, आपके लिए गलती है आज का सवाल है यहाँ पे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एक त्रिभुज है, तथा
एंगल ए बी सी इक्वल है ए सी बी है, त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। इन फिगर ए बी सी ट्राइंगल सच दैट एंगल ए बी सी इक्वल ए सी बी, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको ये गलत फिगर दे रखी है, यहाँ पे तो फिगर आपको जैसे गलते हैं कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपको गलते हैं कि ए सी डी आपको दे रखा है 135, और साथ में कहता है कि इसमें गलते हैं कि जो यहाँ पे दो एंगल इसमें इक्वल है यहाँ पे, तो आपको वो एंगल भी बताने हैं और साथ में जो थर्ड एंगल है आपको भी बताना है। तो आपको इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं इसके आंसर बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, जो एंगल ए आएगा, एंगल ए आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल जो बी आएगा, एंगल बी आएगा यहाँ पे आपका 45 डिग्री, और एंगल जो सी आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री। कैसे आएगा वो आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके अगर आप जो अगर आपका आंसर यह आता है तो आपका आंसर सही है यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे कहते हैं कि फेसबुक पे ग्रुप है STLC, तो इस फेसबुक ग्रुप पे आप कहते हैं कि जुड़ जाइएगा। इस फेसबुक ग्रुप पे आपको जुड़ के आपको सिर्फ इसी सवाल के जवाब ही नहीं बल्कि आपके जो और भी गलत कई सवाल है, जैसे आपको गलत है कि आई कार्ड नहीं आया है, या आपका आई कार्ड लॉस्ट हो गया है, या होल टिकट है, एग्ज़ाम टिकट है, या आपका प्रैक्टिकल है, या आपका असाइनमेंट है, कोई भी ऐसे अगर दिक्कत परेशानी है तो आप वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, फेसबुक पे सर्च करिएगा यहाँ पे STLC और इस ग्रुप से यहाँ पे जुड़ जाइएगा। जुड़ने बाद करते आप अपने सवालों को जो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और भी स्टूडेंट है तो आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।